हेलो गाइस हेलो फ्रेंड्स एंड आप सब बहुत अच्छे होंगे आई होप एंड उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने ताज के तो आज के क्वेश्चन हम आज के वीडियो में नियर अबाउट सिक्सटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है टी plus टी प्लस ओ ए एस सी एस टी सब के लिए इम्पॉर्टेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्सटी के सिक्सटी क्वेश्चन ही हैं एग्जाम में आने लायक पहले भी बहुत रिपीटेडली आ चुके हैं सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सो प्रैक्टिस करिए एंड उसके साथ और एक चीज है आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में बहुत ही डिफिकल्ट लग रहे होंगे तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कुछ पॉइंट्स का याद रखें स्पेशली सीवीजेड बच्चे तो उनको बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट लगता होगा तो एक एक चीज बोल देती हूँ वो फिक्स्ड है जो एग्जाम्स में आने वाले जो कि आपका क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर से मैंने पूरा डिटेल्ड आपको बताया कि कैसे क्या करना है तो क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग आप एक पढ़ लीजिएगा जो कि आज क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पिन आपको पढ़ा है स्पीन एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड उसके अकॉर्डिंग कौन सी आ, जो वेरिएशन होते हैं वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स दैन फोर डी फोर एस आया दैन थ्री डी आएगा देन फोर पी ऐसे आपको मैंने समझाया है, तो उसको याद रखिए एक क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आएगा एंड उसके बाद आएगा एक, एक, एक एलिमेंट का कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग अगर याद रखना है तो एलिमेंट

ठीक है अभी इसके बाद आपको एक हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर याद रखना है जैसे कि पिरामिडल एस पी थ्री हाइब्राइशन देन आपका आता है नॉर्मली ट्राइगोनल हो गया वो भी एस पी थ्री है तो एस पी टू का आप याद रखेंगे एस पी टू थ्री एंड जो एस पी टू थ्री के बाद एस पी फोर का याद रख सकते हैं तो ऐसे करेंगे तो तीन ये जो तीन क्वेश्चन बोली ये पूरा कंपलसरी आएगा इस बार के एग्जाम में उसके साथ ड्री ब्रॉगली का जो कंसेप्ट है उसको याद रखें तो ड्री ब्रॉगली का दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज एक क्वेश्चन आता है जो कि मोलर सोल्यूशन के ऊपर आएगा जो कि फॉर्मूला वेस्ट है दैट इज प्लैंक्स कॉन्स्ट्रांट को लेके इक्वल्स टू के जो फॉर्मूला में आता है इक्वल्स टू एच एम तो एम बी के बेस्ड पे एम आपका मेंशन होगा वेलोसिटी आपका मेंशन होगा एंड एच आपका प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का वॉल्यूम या फिर अमाउंट पूरा फिक्सड है दैट इज अस पॉइंट ठीक है आपका सिक्स पॉइंट सिक्स टू इन टू टू दावर थर्टी फोर ऐसा कुछ मेंशन था तो उसको याद रखेंगे आप ठीक है उसके बाद ये चार क्वेश्चन फिक्स्ड है इस बार भी आएगा एंड का एक में आपको पार्टिकल के नेचर के ऊपर एंड पार्टिकल का नेचर एंड वेब नेचर के ऊपर काम करना पड़ता है तो सो दैट नेचर फॉलो करता है ये एक शॉर्ट था मैं आपको याद दिलाने के लिए थोड़ा इससे पहले रिकॉल करवा रही हूँ उसके साथ और क्या क्वेश्चन है चार क्वेश्चन फिक्स्ड हो गया उसके बाद आपका मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर एक आता है कौन सा क्या मिल्ट होता है उसके ऊपर सो uh, so ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन उसके साथ और क्या है आपके पास क्वेश्चन जैसे कि अब मैंने पहले भी बोला कन्फिग्रेशन uh, के बाद और एक चीज़ आता आई पी नेम तो आई पी नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फिक्स्ड है एक आएगा जो कि बीटानॉन प्रोपान प्रोपेन ई ए कहाँ लगेगा डबल बॉन्ड में एंड वाई आई कहाँ लगेगा ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा सिमेट्री है कौन सा अनसिमेट्री है उसको आप मेंशन करें उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे ठीक है एक क्वेश्चन वहां से मिले एक नहीं दो क्वेश्चन मिलेगा एक आई नेम के अकॉर्डिंग एक मिलेगा आपको um, कौन सा सिमेट्री अनसिमेट्री के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सेवन क्वेश्चन फिक्स्ड हो गए अभी इसके बाद सात आठ क्वेश्चन तो मैंने बोल दिया उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं इस लास्ट एट डेज में आपको डिस्कस कर दूँगी जो बहुत ही फिक्स्ड है तो ये एट क्वेश्चन को प्लीज़ अच्छे से कर लो अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा उसके साथ मोलर कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला याद रखिए मोलारिटी क्या है मोलालिटी क्या है इसको थोड़ा माइंड में रखिए अच्छा एबोगाड्रोज नंबर को याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एपोगाड्रोज का नंबर एंड उसके साथ आपका एटमिक मास कैसे निकालते हैं मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं सबसे इंपॉर्टेंट से भी जो बच्चे आप लोग कन्फ्यूज होते हैं मिक्सचर क्या है हाइड्रोजेनस uh, मिक्सचर क्या है होमोजेनस मिक्सचर क्या है That

जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने 2021 का दे दिया था उसके साथ मैं अगेन 2020 एंड 19 के क्वेश्चंस को दे दूंगी क्योंकि रिपीट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है तो एसटीटी बस हम लोग उसको भी कर लेंगे ठीक है सो so, इसके बाद चलते हैं तो इतने क्वेश्चंस को आप पहले आप कर लो केमिस्ट्री के अगेन मैं कल का केमिस्ट्री का वीडियो भेज दूंगी एंड ये जो रहा आपकी पूरे अराउंड हैं एंड का कर लो इसमें से मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको STAT में टेन क्वेश्चन तो मिलेंगे ये फिक्स्ड है इस बार का एंड ऐसे भी आ रहे क्वेश्चन जो आपको नहीं पता है टोटली totally, या फिर आप कंफ्यूज होंगे चारों के चारों ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे आपको क्या चाहिए पूरे सॉल्यूशंस के साथ याद रखना so, है सो स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट

ठीक है पूरे साल कर रहे हो तो लास्ट इसको एग्जामिन करने के लिए कुछ किया जाता है तो एग्जामिनेशन में जो हम देते हैं एग्जाम करते हैं ईयरली एग्जाम दैट इज कॉल्ड सबमिटिव इवालुएशन बाकी बट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द ईयर और एट एनी टाइम ये तीनों जो है ये फॉर्मेटिव इवालुएशन है या बोल सकते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बोल सकते हैं और नॉर्मेटिव रेफरेंस टेस्ट ऐसा नहीं होता उसके लिए कुछ नॉर्म्स और रेगुलेशन होते हैं लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं तो यहाँ पे चार टाइप्स के मैंने बता दिए एक सबमेटिव इवालुएशन एक फॉर्मेटिव इवालुएशन अब को याद रहा एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में कुछ क्राइटेरिया रहेगा एक क्राइटेरिया के बेसिस पे सारे पार्टिसिपेंट्स को जज किया जाएगा नॉर्म्स में नॉर्म्स और रूल्स के अकॉर्डिंग सबको जज किया जाएगा यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है Which among the following is different from the characteristics of a good test? टेस्ट मटेरियल्स क्या है आप लोग टेस्ट मटेरियल्स पहले भी पढ़ चुके टेस्ट आइटम्स पढ़ चुके हैं तो वहां पे क्या क्या होता है देखिए ऑब्जेक्टिविटी एक गुड टेस्ट का छोटे छोटे पॉइंट्स में कुछ कुछ चीज़ें हमें मिलते हैं जैसे कि आप बच्चों का टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ कुछ पॉइंट्स में उनका अचीवमेंट हो रहा है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते बोलते हैं बिकॉज एम्स इज बिगर टर्म एंड द ऑब्जेक्टिविटी इज द टर्म तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल गया उसके बाद वैलिडिटी है रिलायबिलिटी है तो वैलिडिटी क्या है जस्ट लाइक like इसको आप कितनी टाइम uh, तक यूज कर सकते हैं एंड रिलायबिलिटी है कितने वे से कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं सो हिच एमोंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेटरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट तो ये तीनों है ना गुड टेस्ट का मेटेरियल है और एक पॉइंट आता है उसको भी याद कर लो आप लोग दैट इज यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ याद रखने के लिए वी यू आर ओ वुरो

ओके तो ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं आपका द फर्स्ट कॉलम फॉर विच मैचिंग इज मेड इज कॉल तो यहाँ पे ना आपको ये ऐसे भी questions आ रहे हैं देखिए क्या है सो so पे आप जो करते हैं ना जैसे कि कॉलम ए है उसको मैच करना रहता है कॉलम बी के साथ सो कॉलम ए को हम क्या बोलते हैं कॉलम बी को तो हम रेस्पॉन्स बोलते हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे रेस्पॉन्स फर्स्ट कॉलम को क्या बोला जाता है so तो याद रखने के लिए मैं बता दू प्रस दैट इज पी आर ई एम आई एस एस फर्स्ट कॉलम को प्रीमिस बोलते हैं सेकंड कॉलम को बोला जाता है ऑप्शन नहीं ठीक है ऑप्शन ई बोलते हैं फर्स्ट कॉलम को बोलते हैं सेकंड को आप रेस्पॉस बोलते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉलम को क्या बोलते हैं जिसको हम सो फर्स्ट कॉलम को हम क्या बोलते हैं प्रीमिस बोलते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंड सेकंड कॉलम के बारे में पूछता तो आप रेस्पॉन्स बोलते हैं इतना हो गया सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन

हायर की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपने मोटिवेशन का कंसेप्ट अगर नहीं पढ़ा है मैंने मोटिवेशन का वीडियो छोड़ दिया है आप वहाँ से देख सकते हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन के टर्म्स के साथ किन को हम जोड़ते हैं बताइए अब्राहम अब्राहमो अब्राहम मैस्लो ओके okay, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है सो so इनका थ्योरी किसने दिया एब्राहम मैस्लो अभी इनका जो थ्योरी का नेम है ना दैट इज कॉल्ड द हायर की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हायर की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन नेक्स्ट इसके ऊपर मैंने तीन क्वेश्चन और डाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं पूरे कंसेप्ट को भी आपको समझा दूंगी ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं सो लेट्स गो हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन नीड्स हायर की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हायर की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में कितने लेवल्स हैं तो आपको याद दिला देते हैं कि इस थ्योरी का स्ट्रक्चर कैसा है ठीक है आपने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा मोटिवेशन का उसके लिए मैं याद दिला रही हूँ तो यहाँ पे ना ऐसे करके आपका ट्राइंगल रहता है ठीक है अभी ट्राइंगल में कितने लाइन्स होंगे पांच टोटल तो यहाँ पे मैं पहला तो क्लीन करती हूँ बिकॉज बहुत सारे लाइन्स हो गए ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव हो गया पांच सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गया अभी आपको अगर जानना है कि नीचे वाला क्या है ये होता है फिजियोलॉजिकल सो so इसको याद रखेंगे ये हो गया फिजियोलॉजिकल ठीक है अभी अगर आपको याद रखना है कि इसके बाद ऊपर में क्या होगा सबसे नीचे वाला हो गया फिजियोलॉजिकल जो कि ब्रॉडर है अगर अगर सबसे छोटा वाला देखते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अभी हम क्या करेंगे कि इसके बीच और क्या क्या आता है उसको देख लेंगे तो उसको देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉरी नेक्स्ट हमें स्लाइड्स पे जाना पड़ेगा तो उससे पहले याद रखिए यहाँ पे कितने स्टेप्स हो गए टोटल हो गए फाइव तो टोटल तो फाइव हमने कर लिए अभी नेक्स्ट में चलते हैं कि क्या है अभी इसी क्वेश्चन में हमने डाल दिया है सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले सो विच एमोंग फॉलोइंग इज द हाइस्ट लेवल नीड्स अंडर दायर की नीड हायर की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सो so, पहले तो मैंने बोल दिया फिजियोलॉजिकल सो so, मैंने ये तो आपको बोल ही दिया मेंशन कर दिया कि ये स्टेप कौन सा है फिजियोलॉजिकल एंड लास्ट वाला देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है ये फिजियोलॉजिकल नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ये नीड थ्योरी है नीड ऑफ हायर की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सो बीच में कितना रहा उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा थर्ड वाला जो रहता है वो सोशियल है एंड फोर्थ एंड टू क्या रहा आपका फोर्थ में फोर्थ विंस ऊपर से फोर्थ देखिए ये हो गया सेल्फ एस्टीम दैट इज एस ई एंड ये हो गया एस स्क्वायर सेकेंड वाला हो गया एस्क्वर तो उसके अकॉर्डिंग मैं पूरे कंसेप्ट को आपको समझा देती हूँ किस में क्या क्या आते हैं सो so, और एक क्वेश्चन भी इसके हिसाब से आ सकता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये टॉपिक आपने कभी नहीं पढ़ा इसलिए मोटिवेशन का थ्योरी में आपको याद रखना है कि किसने किया ये डिस्कवर दैट इज अब्राहम मैस्लो आब्राहम मैस्लो मोटिवेशन थ्योरी और नीड ऑफ हायर की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इसमें पहला स्टार्टिंग होता है क्या यहाँ पे देखिए uh, which are, which among the following is the highest level need under the need of hierarchy theory of motivation सबसे important and सबसे first में कौन सा ये था step था अब ऊपर से देखेंगे नीचे से नहीं नीचे से देखने से फिजोलॉजिकल नीड हो जाएगा सबसे ऊपर से देखने से क्या आएगा फर्स्ट स्टेज कौन सा था दैट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगर हमें ऐसे देखना है हमें ऐसे नहीं जाना है हमें मूव करना है ऐसा इधर मूव करना है तो वन टू फाइव हम ऐसे लिखेंगे करेक्ट होगा थोड़ा ठीक है हमने ऐसे मेंशन किया बोल के याद रखने के लिए फाइव टू वन टू फाइव दिया था मगर आपको जब जाना है तो वन टू फाइव ऐसे मेंशन करेंगे ओके सो so, यहाँ पे पहला क्या आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाएगा फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट अभी देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं पांच स्टेप्स है फिजियोलॉजिकल नीड फिजियोलॉजिकल नीड मीन्स आपको घर में रहने के लिए या फिर कहीं पर रहने के लिए ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए जस्ट लाइक बेसिक नीड्स जो होता है वही है फिजियोलॉजिकल नीड्स रहने के लिए क्या चाहिए खाना चाहिए फिर मकान चाहिए धान आपको बेसिक नीड्स जो फूड मटेरियल्स के साथ कपड़े चाहिए घर चाहिए सेल्चर चाहिए एयर चाहिए ब्रीदिंग के लिए एंड वाटर चाहिए ये सारे फिजियोलॉजिकल नीड्स है इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज अगर नेक्स्ट में चलते हैं तो क्या आएगा तो आपको याद आ, मैं रख दूँ कि ये नेक्स्ट होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स दैट मीन्स एस स्क्वायर आप कितने सेफ्टी के साथ एंड सिक्योरिटी के साथ कहीं पर रह रहे हो क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसका कोई प्रॉब्लम uh, नहीं है आप कितना सेफ फील करते हैं थर्ड में आता है सोशल नीड्स आपका सोशल नीड्स क्या है सोसाइटी में आप लिंक करते हैं सोशल ऑर्डर रूल्स फॉलो करते हैं शेयर करते अपना ओपिनियन ओके सो नेक्स्ट आ जाते हैं तो नेक्स्ट में क्या है दैट इज सोशल नीड्स के बाद आते सोशल नीड्स uh, के बाद सेल्फ एस्टीम नीड्स सेल्फ एस्टीम नीड्स होता है खुद के बारे में जानना सेल्फ के बारे में जानना खुद का नीड क्या है खुद का एक्चुअल आपके मन में क्या चल रहा है कौन से ओपिनियन को आप वैल्यू दे रहे हो क्या डिजायर है उसके ऊपर अभी सेल्फ एक्चुअलाइज है इट इज़ अ टॉप मोस्ट लेवल में रहता है इट इज़ टॉप मोस्ट लेवल पोजिशन में ये ऑक्यूपाई किया है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली आप क्या नीड है या फिर आपका मेंटली uh, क्या आप चाहते हो वो सब यहाँ पर जज किया जाता है तो सेल्फ एक्चुअलाइसन नीड तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा हाइस्ट होगा आपका सेल्फ एक्चुअल नीड एंड लोएस्ट होगा फिजियोलॉजिकल नीड ओके अभी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अकॉर्डिंग टू मासलोज नीड हायर की थियोरी ऑफ मोटिवेशन द लोअर लेवल ऑफ फॉर्म कहाँ से आता है या फिर क्या करता है लॉयर नीड्स क्या है सबसे लॉयर में क्या था बताइए फिजियोलॉजिकल नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स में मैंने क्या बोला था कपड़ा चाहिए मकान चाहिए खाना चाहिए पानी चाहिए ये सब चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग नीड्स लाइक फूड क्लॉथिंग सेल्टर एयर वाटर तो दिस इज द करेक्ट आंसर तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर इसको मैंशन कर देंगे ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एन स्टैंड्स फॉर क्या होता है एनएलएम देखो नेशनल लिबर्टी मिशन नेशनल लेबर मिशन नेशनल लिटरेसी मिशन नेशनल लिटरेसी मूवमेंट अभी तो पहले याद रखिएगा कि ये सारा सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाने के लिए ही है सबसे इम्पोर्टेंट तो उसके अकॉर्डिंग लिबर्टी नहीं होगा ये लिटरेसी है ठीक है लेबर भी नहीं है बट ये मिशन है मूवमेंट नहीं होता ठीक है मूवमेंट में सब कोई एक साथ बड़े लोग जाते हैं एंड छोटे लोग वहाँ पे स्ट्राइक या वगैरह कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पे जब भी छोटे बच्चों के लिए कुछ किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड मिशन तो नेशनल लिटरेसी मिशन इसको हम में में करेंगे नेशनल ना, लिटरेसी मिशन ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं द क्वालिटी ऑफ टेस्ट टू गिव सेम स्कोर्स वन एडमिनिस्ट्रेट एट डिफरेंट ऑकेजन इज आप अगर कोई एक चीज़ को जैसे कि आप पहले ही क्या किए हैं कि बचपन में एक टेस्ट मैटेरियल आप बनाए थे क्लास वन के लिए उसी को आप डिफरेंट वेज से कहीं कहीं यूज़ कर रहे हैं तो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है तो कहीं पे रिपीटेडली किसी चीज़ को यूज़ करने का मतलब क्या होता है क्या हो जाएगा ये ये होता है रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं रिलायबिलिटी ठीक है ये रिलायबिलिटी है और ऑब्जेक्टिविटी वैलिडिटी डिफ्रेंसीबिलिटी अलग चीज है तो रिलायबिलिटी इसका आंसर होगा प्रॉपरली अभी नेक्स्ट में चलते पोलो फेरी आप बोल सकते पोलो फ्रेरी या फिर फ्रेयर ठीक है पोलो फ्रेरी और फ्रेयर डिटेन बुक नेम्ड अभी पॉलो फ्रेरी रिटन ए बुक इन्होंने क्या किया था इन्होंने एक बुक लिखा था किसके ऊपर जो पेडागोजी के ऊपर बिकॉज़ पेडागोजिकल क्रिटिकल पेडागोजिकल टीचर थे एजुकेटर थे तो उन्होंने जो ऑपरेस्ड लोग हैं उनके लिए लिखा था मिडिल क्लास और प्रिविलेज हाई क्लास के लिए नहीं लिखा जो ऑपरेस्ड है जिनको एजुकेशन नहीं मिलता है जिनको गाइड नहीं मिलता उनके लिए ये चीज़ लिखा गया था अभी याद रखिएगा ये चीज़ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये होगा उसका आंसर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दैट इज द वर्ड पेडा रेफर्स टू पेडा मीन्स क्या होता है आपको लगेगा कि ये बच्चों के लिए तो चिल्ड्रन आप मेंशन करेंगे ऑब्वियस ये चिल्ड्रन ही है ओके okay? आपको ठीक ही लग रहा है एडल्ट यंग मैन या ओल्ड मैन नहीं होगा बच्चों को गाइड करना है बच्चों को ख्याल रखना है बच्चों को पढ़ाई करवाना है तो उसके अकॉर्डिंग होता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दैट इज पोलोफ्रेरी और फ्रेयर बिलोंग्स टू डैश कौन से आ, स्टेट से वो आए थे दैट इज़ मैम इनको याद दिला देती हूँ आपको इन इसका आपको पता नहीं होगा आपने पेडागोजी पढ़ा है बट कुछ बुक्स में मेंशन नहीं है इनका नाम पेडागोजी का नाम जहाँ पे भी आता है पोलो फ्रेरी का नाम वहाँ पे आएगा तो ये आपने कहीं नहीं पढ़ा इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वो ब्राजीलियन थे ब्राजीलियन एजुकेटर थे पेडागोजी क्रिटिकल पेडागोजी एजुकेटर थे ठीक है अभी इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं दैट इज़ एंसियन ग्रीक वर्ड पेडागोगस मीन्स पेडागॉगस मीन्स क्या होता है अभी पेडा मीन्स बच्चों बच्चों को गाइड करने के लिए जो था पहले के टाइम पे तो अप... कुछ हम क्या बोलते थे गुरु हो गया तो टीचर पहले के टाइम पे पेडा गॉगस मीन्स उतना नहीं था अभी के टाइम पे टीचर्स का रोल बहुत ही ज़्यादा अलग है बट पहले के टाइम पे जो घर पे स्लेव रहते थे ना वो बच्चों को ले जाते थे कहीं से ले आते थे उनको केयर करते थे उनको ये करने के लिए बोलते थे उनका जितना देखभाल होता था तो वो करते थे तो इसलिए उनको हमने मास्टर नहीं बोला उस टाइम पे उसको पहले का बहुत पहले ये निकल चुका है उसको बोला गया है स्लेव एंसियन ग्रीक वर्ड में ग्रीक वर्ड में याद रखिएगा पेडागोगस वर्ड कहाँ से आया है ग्रीक से आप मेंशन कर सकते हैं ठीक है ये भी क्वेश्चन आएगा सो so, ये हो गया स्लेव सर्बेंट नहीं है स्लेव है अच्छा नेक्स्ट चलते हैं दैट इज ये हो गया आंसर उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे सो so, नेक्स्ट है द वर्ड पेडागोगोजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम कौन से वर्ड से डिराइव किया है अभी मैंने आपको मेंशन किया था कौन से वर्ड से ग्रीक वर्ड ठीक है लैटिन वर्ड फ्रेंच वर्ड जर्मन वर्ड नहीं ग्रीक है नेक्स्ट चलिए द फादर ऑफ़ बिहेवियरिज्म ये पहले भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था फादर ऑफ बिहेवियरिज्म ये देखिए क्या क्वेश्चन है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म का बात जब आता है ना यहाँ पे याद रखेगा जे वी थॉन्डाइक ने नहीं निकाला एरिस्टोटल ने नहीं निकाला नॉन ऑफ दाम में नहीं होगा तो जे वी वटसन जे वी वटसन जे वी वटसन ओके जे वी वटसन सन नेक्स्ट चलते हैं अगेन

करेक्ट हो गया नेक्स्ट चलते हैं अभी

इंटरेस्ट एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे सब खुद से ही करना पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग ये तीन जो है ना ये इंट्रेंसिक है। है। है? तो हमारा ऑप्शन ए हो गया करेक्ट अभी नेक्स्ट चलते हैं जहाँ पे सेल्फ का बात आए वो हो जाता है इंट्रेंसिक ठीक है वट डज यूजीसी स्टैंड फॉर यूजीसी मीन क्या होता है यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन ऐसे भी क्वेश्चन हो गया ठीक है स्टूडेंट इज डैश जहां पे बच्चों का लर्निंग आउटकम हम टेस्ट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होंगे ये होगा अचीवमेंट टेस्ट परफॉर्मेंस चेक करे ना बच्चों का तो इसलिए हम अचीवमेंट टेस्ट देंगे सो नेक्स्ट चलते अगेन वट इज नॉट देर इन ए ब्लू प्रिंट अभी ब्लू so, प्रिंट <laughs> भी एक कंसेप्ट है

रिलेटिव वेटेज टू द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट तो आप जानते हो पेडागोजी पढ़ चुके हैं लेसन प्लान्स पढ़ चुके वहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट्स इं, भी रहता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी हम मेंशन करते हैं कंटेंट भी मेंशन करते हैं बट डिफिकल्टी लेवल मैटर नहीं करता है तो हमारा ब्लू प्रिंट में ये चीज नहीं रहता है ओके okay? सो so, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन सो अभी नेक्स्ट चलते हैं Alfred belongs to which country? कौन से कंट्री के है सो अल्फ्रेड विने बिलोंग्स टू फ्रांस बिकॉज वो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट uh, है तो उनका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट कौन सा आपका नंबर ए ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस ऑफ द टीचर इज मोस्ट इन डैश कौन से क्वेश्चन में अः uh, बच्चों के अंदर हम थोड़ा बहुत बायसनेस uh, रख सकते हैं दैट इज कौन से टाइप के क्वेश्चन में अगर बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे हैं फिर इन द द्लैक्ट वहां पे आप थोड़ा सा कम ज्यादा दे सकते हैं क्या नहीं कौन से टाइप के जहाँ पे ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है या बड़े क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे हम एक आध मार्क ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं बच्चों में अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस और राइटिंग एबिलिटी उसके अकॉर्डिंग होता है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन चलते हैं

वो रिलेट कर सकेंगे बुक्स के लैंग्वेज के साथ तो यहाँ पे जो ऑप्शन में टिक पहले से किया गया था जहां से मैं क्वेश्चन ली हूँ उसकी वजह से ये रॉन्ग है तो आप वहाँ पे मत चलेगा पीपल स्पोकन लैंग्वेज बच्चों के लैंग्वेज में ही हम बोले तो उनको समझ आएगा बट ऑनली उनके लैंग्वेज में बोले तो नहीं बच्चों को उस लैंग्वेज के साथ उनके जो हैबिचुअल लैंग्वेज है उसके साथ बुक के लैंग्वेज को भी बोलना पड़ेगा तब जाके बच्चों को हम समझा सकेंगे कोई भी एक कंसेप्ट को सो बोथ बुक एंड स्पोकन लैंग्वेज हो गया अभी नेक्स्ट अच्छा लर्निंग इन मोटर मोटर स्किल्स स्किल्स में अगर लर्निंग डिजेबिलिटी हो गया आपका मोटर मतलब हैंड्स एंड पैर्स मूव करते हैं पैर मूव करते हैं लेग मूव करते हैं तो उसके लिए उनमें अगर डिजाबिलिटी आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे आप उसको बोल सकते हैं डिस्प्रेक्शिया क्या बोलेंगे डिस्प्रैक्शिया आपको याद रखना पड़ेगा अगर डिसकैल्कुलिया हुआ तो कैलकुलेशन में या एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स मीन्स मैथ्स रिलेटेड इशूज होते हैं डिसलेक्सिया दैट इज रिलेटेड टू योर हम बोलते हैं इसमें कि डिसलेक्सिया मीन्स होता है रीडिंग रीडिंग में प्रॉब्लम आती है डिस्फेजिया ये आपके बोलने में प्रॉब्लम आती है दैट मीन्स आप अरेंज करके कोई चीज़ को बोल नहीं सकते और एक होता है डिसपिच लिया दैट मीन्स उसको हम डिस्पिचिया भी बोलते हैं या डिस्पिचलिया भी बोलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्पीच में प्रॉब्लम आ रहा है मीन्स टोन का हाई लो आप समझ नहीं पाते तो इसको अकॉर्डिंग याद रखिएगा डिस्प्रेसिया जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट अभी नेक्स्ट चलते हैं राइट टू एजुकेशन कैम इन टू इफेक्ट ऑन कब से राइट टू एजुकेशन स्टार्ट हुआ था ये आपको पता है की राइट टू एजुकेशन टू थाउजेंड नाइन से वर्क करना स्टार्ट किया था बट राइट टू एजुकेशन कब वर्किंग कंडीशन 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 में 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 आया में आया आया कब वर्किंग वर्किंग तो ये में आया था 2009 से स्टार्ट हुआ वर्क करना मतलब थोड़ा उसमें क्या क्या रूल्स होने चाहिए लॉज होने चाहिए वो सब डलना स्टार्ट हुआ तो अप्रैल वन टू थाउजेंड तो टेन तक ये हो जाएगा एंड स्पेशली ये चाहता था आर्टिकल फोर्टी फाइव के अकॉर्डिंग जो आप बोलते डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया एजुकेशन uh, कम्पल्सरी कर दिया कम्पलसरी एजुकेशन कम्पल्सरी एंड फ्री एजुकेशन अप टू सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स के बच्चों के लिए प्लस इंक्लूसिव एजुकेशन दैट मीन्स इंक्लूसिव जो बच्चे हैं उनको बहुत सारे रूल्स दिए गए उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना था इनके अकॉर्डिंग था कि क्लासरूम में आ, कितने स्टूडेंट होंगे थर्टी स्टूडेंट होंगे एंड थर्टी स्टूडेंट के लिए एक टीचर रहेंगे तो ऐसे वहाँ पर मैंशन था तो अप्रैल वन 2010. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं थी दट इज उनके अनालाइजिंग दियर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इसमें प्रॉब्लम आएगा तो इसके बाद नेक्स्ट चलते है तो आपको मिल गया ऑप्शन अभी देखिए डिसकैल्कुलिया इज एसोसिएटेड विथ डिसकैलकुलिया मीन्स यही वाला ऑप्शन है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए डिफिकल्टी इन एरिथमेटिकल स्किल डिफिकल्टी इन एरिथमेटिकल स्किल ओके रीडिंग राइटिंग दोनों होगा तो उसमें क्या आएगा डिसलेक्सिया इंग्लिश स्किल्स में भी प्रॉब्लम हो गया वो भी हो गया डिसलेक्सिया ठीक है अभी टेलीविजन कम्स अंडर क्या होगा अगर ओनली टेलीविजन से साउंड आता रेडियो जैसा होता तो हो जाता ऑडियो

So next chalte <clears throat> The author of the book Frames of Mind

ए रिलेटेड लैंग्वेज आपको बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको आप क्या करेंगे यहाँ पे मैंने आपको डिसलेक्सिया रीडिंग राइटिंग में दिया था स्पीच के अकॉर्डिंग स्पीचिसिया और स्पीचिसिया ठीक है ये क्या होगा स्पीच में प्रॉब्लम अगर टोन में एप्रेक्सिया और डिसिया आपने पढ़ा था उससे पहले जहां पे मोटर स्किल में प्रॉब्लम था तो यहाँ पे एक ही चीज बच गया कि लैंग्वेज को आप समझा रहे हो लैंग्वेज के थ्रू कुछ बता रहे तो ये उसमें अगर प्रॉब्लम आता है दैट इज कॉल्ड एफासिया ठीक है एफासिया सो नेक्स्ट चलते हैं

टू अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश यहाँ पे देखिए क्या क्या नाम है राजनाथ सिंह अरुण जेटली डी एस कोठारी प्रोफेसर यशपाल yes, आप तो बुक में एक ही नाम पढ़े हैं इसके अंदर जो कि है डीएस कोठारी तो डीएस कोठारी नहीं किए थे बिकॉज़ डीएस बहुत पहले अपना सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग कंसर्ट दे चुके थे तो उन्होंने नहीं किया कि ये प्रोफेसर यशपाल ने किया था उनके चेयरमैनशिप में हुआ था ये एडवाइजरी कमेटी बना था नेशनल एडवाइजरी कमेटी बना था ओके नेक्स्ट चलते

इड कंड्यूसिव एनवाइ फॉर टीचिंग जो टीचिंग के लिए जरूरत है वैसा एनवायरमेंट बनाना टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ टीचर टीचर को सेफ्टी देना पहले तो डी कट होगा टीचर को सेफ्टी स्कूल्स में नहीं दी जाती है वो भी छोटे बच्चों के स्कूल्स में तो बिल्कुल भी नहीं अभी आइडेंटिफाइड एंड रेमिडाइट ये बाद में होता है स्कूल का डिसिप्लिन के लिए बोला गया सेफ एनवायरनमेंट भी नहीं होगा अभी टू प्रोवाइड कंडीसिव एनवायरनमेंट कंडीसिव मीन्स हम कंडक्ट करेंगे एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बच्चों के लिए फॉर टीचिंग ठीक है बच्चों के लिए जो टीचिंग होता है उस टाइम पे सो अभी ये हो गया करेक्ट ये स्कूल मैनेजमेंट में क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे इम्पोर्टेंट है ये डिसिप्लिनरी कौन से चीजों को डायरेक्टिंग है, 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 है आपको सब लगता होगा कि सारा ठीक है बिकॉज एक प्रिंसिपल सब कुछ करता है बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो प्लानिंग करता है उसी बोलते हैं मैनेजमेंट टेक्निक क्या करता है प्लानिंग प्लानिंग करता है ठीक है अभी नेक्स्ट नेक्स्ट सो में क्या आता है देखिए हुई ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट कमिटी सो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी में कौन सा चीज मतलब कौन से uh, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे कमिटमेंट कमिटीज uh, में आता नहीं है दैट इज लिटरेट पेरेंट्स लिटरेट कम्युनिटी मेंबर्स स्टूडेंट एंड टीचर सो यहाँ पे मैं बता दू जब स्कूल मीटिंग्स होता है ना तब उसमें क्या होता है या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनता है दैट इज कॉल्ड पीटीए पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन उसमें लिटरेट पेरेंट्स भी रहते हैं लिटरेट कम्युनिटी मेंबर्स भी होते हैं टीचर्स भी होते हैं बट स्टूडेंट्स नहीं होते सो so, ये नहीं होगा तो यहाँ पे नॉट ए मेंबर लिखा गया है तो स्टूडेंट यहाँ पे मेंबर नहीं है ठीक है नेक्स्ट

स्कूल में एक प्रॉपर क्या करना चाहते हैं टीचर्स को हेल्प करना चाहते हैं टीचर्स को अगर हेल्प करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो टीचर्स भी जब पढ़ाएंगे वही चीज वो स्कूल के बाद घर पे भी करेंगे इसलिए ये पॉइंट करेक्ट होगा आपको उस लोगों को लग रहा होगा कि ये होगा बट ये नहीं होगा ये ही होगा ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे देखिए

और जस्ट लाइक प्रोवोकिंग द स्टूडेंट हुर फाइटिंग व्हाट डीड द टीचर्स लाइक यहाँ पे टीचर्स में कौन सा चीज़ का कमी है जो उनको ऐसे क्लास को फेस करना पड़ रहा है सेल्फ रेस्पेक्ट इंटरेस्ट इन द टीचिंग क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल मैचुर नॉलेज ऑब्वियस है उन्होंने मैचुरल लेके गए थे इंटरेस्ट टीचिंग है इसलिए क्लास में गए थे. उनका सेल्फ रेस्पेक्ट है बट क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल उनमें बहुत ही कम है इसलिए बच्चे फाइट कर रहे थे क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग

या सेल्फ डेवलपमेंट को वो देखता नहीं है उसको छोड़ के उसे कोऑपरेट भी करना पड़ता है सबके साथ कंसल्ट भी करना पड़ता है स्कूल असेंबली में भी ज्वाइन करना पड़ता है एम्प्लॉई एंड अदर ग्रुप मेंबर्स के साथ मीटिंग भी करना पड़ता है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं व्हाट इज द रिस्क फैक्टर व्हाट इज द रिस्क फैक्टर इन स्कूल क्या रहता है बच्चों के लिए रिस्क फैक्टर हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स अन सेफ एंड अनिनेस एंड पुअर हाइजीन स्कूल कैंपस एटीट्यूड ऑफ द टीचर ये सबसे इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चे हैं ना तो छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ये बिकॉज अनसेफ वर्टर अनकिनलीनेस एंड पुअर हाइजीन उनका हेल्थ खराब होगा स्कूल कैंपस में भी बर्बाद होंगे एंड एटीट्यूड ऑफ द टीचर में डिपेंड करता है ये भैरी करता है सबके साथ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है तो ये करेक्ट होगा सबसे दैन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ आर प्राइमरी टीचर्स प्राइमरी एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइशन ऑर्गेनाशनल

कौन सा कॉमनली फाउंड होना चाहिए इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं चाहिए छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए इंटरपर्सनल रिलेशन भी नहीं लीडरशिप कैरेक्टर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग ऑलवेज आप जहाँ पे लीड कर रहे हैं प्रॉपरली कम्युनिकेशन स्किल भी आपका है बट इसका सेकेंड पॉइंट में आता है आप मैनेज कर सकते हो लीडरशिप कैरेक्टर थे उसके बाद आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे जाएंगे सब्जेक्ट नॉलेज पे जाएंगे उससे पहले लीडरशिप एंड मैनेजमेंट

पहला का रीजन uh, नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते the first statement is the effect of second statement, ऐसा भी नहीं है देर इज नो रिलेशन बिटवीन टू स्टेटमेंट ऐसा भी नहीं बोल सकते चलते हैं। वट इज इंक्लूडेड इन द स्कूल फिजिकल हेल्थ पे देखिए प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फर्नीचर केमिकल्स बायोलॉजिकल एजेंट द साइट स्कूल लोकेटेड एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एयर वाटर फिजिकल हेल्थ पूछा गया इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज स्कूल बिल्डिंग सराउंडिंग एनवायरनमेंट फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर क्या होना चाहिए तो आपको याद रखना है कि स्कूल है तो वहां पे उसके एनवायरमेंट में सब कुछ होना चाहिए सब ठीक है तो उसके साथ नॉर्मल लेवल में होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे एयर भी है वाटर भी है वो भी पोल्यूटेड हो सकता है इसलिए ये सारा मिलके होता है फिजिकल हेल्थ फिजिकली जो चीज प्रेजेंट रहता है एग्जिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग

अगर हम खाना खराब देते हैं एंड उसके बाद ट्रीट करते हैं तो बच्चे का हेल्थ इश्यूज़ और भी बढ़ सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा हमने खाना दे दिया उसके बाद चेकअप करा दिया तो वो ठीक हो सकता है मे बी उससे और भी खराब हो सकता है मेडिसिन के इफेक्ट्स से तो स्टोरिंग फूड एट सेफ प्लेस से बेटर है स्टोरिंग फूड एट सेफ प्लेस ये बेटर है ठीक है सो नेक्स्ट वॉट आर द दस कॉम्पोनेंट इन द स्कूल स्कूल में सबसे हाजर कम्पोनेट क्या है फूड वेस्ट डस्ट चॉक्स पेपर्स सैनिटेशन वेस्ट या बैटरीज, ब्लास्ट बालास्ट मर्क्यूरी स्विचेस कंप्यूटर कॉम्पोनेंट्स है ये सारे फूड वेस्ट तो वो कोई ना कोई खा लेगा या सर जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा। Dust, chalk, तो हर एक स्कूल में थ्रू इतना पॉल्यूशन नहीं है हार्मफुल है बट इतना भी नहीं है बट उससे ज्यादा हार्मफुल है बैटरीज बैल्स एंड मर्क्यूरी ये सारे केमिकल्स भी हैं प्लस ये सारे मिक्स uh, नहीं हो सकते तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन

वो इतना नहीं चाहिए बट टेक्निकल एंड चाहिए उसमें managerial administrative skills भी आ जाएगा, तो होगा तो आप बच्चों को पढ़ा सकेंगे तो ये करेक्ट है नेक्स्ट चलते फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैनेजमेंट और प्राइमरी स्कूल फंक्शन प्राइमरी स्कूल फंक्शन को अगर मैनेज करना तो कौन सा इसका करेक्ट mm, ऑप्शन नहीं है preparation of annual report of the school Ye to obvious na. agenda hum bolte. to organize training and mentoring session for teachers inclusion new teachers and students and parents and regular communication with all people interested in the school

डायरो लिखा गया है ये डायरिया होगा डायरिया गुड स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल बिल्डिंग एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज आप बच्चों को थोड़ी सिखाएंगे सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड स्कूल बिल्डिंग के लिए सो so, हम मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहते हैं टीचर स्कूल नर्सेज एंड चिल्ड्रंस को बेसिक नॉलेज हो कि वो रेस्पिरेटरी इश्यूज अस्थमा या डायरिया हो तो उसमें वो डील कर सके वो चाहिए फंड्स नहीं चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर ऑलवेज तो प्रेमिस में नहीं रह सकता ना तो उस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा तो अभी नेक्स्ट चलते हैं Which of the following can be the best place for a school away from pollution? Out, out of the city? ये तो ये दोनों बिल्कुल नहीं होंगे इन ए नेचुरल एनवाइ इन ए लोकलिटी सेफ फॉर स्टूडेंट छोटे बच्चों को आप दूर में जाने के लिए बोलोगे आउट ऑफ सिटी, या फिर नेचुरल एनवायरमेंट में पढ़ने बोलोगे वो क्या सीखेंगे उनको कुछ पता ही नहीं है वो सब के बारे में तो यहाँ पे इन ए लोकलिटी सेफ फॉर स्टूडेंट्स होगा तो ये लास्ट एटीन का टी आंसर है आपका ठीक है अभी नेक्स्ट चलते डैश एज मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट आर टी ई टू थाउजेंड नाइन हैव ए क्रिटिकल रोल टू प्ले इन एनस्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम टू एम्पावर द पेरेंट्स मॉनिटर स्कूल फंक्शन तो यहाँ पे कौन सा कमिटी होगा देखिए स्कूल मैनेजमेंट कमिटी स्कूल मॉनिटरिंग काउंसिल स्कूल मीटिंग सेंटर स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल तो आपको ऑलवेज रखना है कि एस एम सी आर टी ने प्रोड्यूस किया था SMC जो आपका है PTA पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसको क्या था तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यहां पे आंसर होगा आपका देन नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्ट इम्प्रूवमेंट सॉरी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन द स्कूल मैनेजमेंट प्रोसेस इज एक्स

याद रहा पॉलिसी मेकिंग नहीं होगा नेक्स्ट चलिए न्यू न्यूजर्स वेबसाइट्स प्रेस आर रिलीज टू डेवलप टू वे सिस्टम टू एंश्योर डैश स्कूल प्रोग्रेस स्कूल स्कूल रिजल्ट रिएक्शन प्रमोशन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंटल रिएक्शन बच्चों के रिएक्शन से पहले उनके पेरेंट्स के रिएक्शन को हम जानने के लिए ये सिस्टम को हम अप्लाई करते हैं देन नेक्स्ट व्हाट कैन बी डेंजरस फॉर स्टूडेंट्स

टीचर स्टूडेंट सोसाइटी स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स पेरेंट्स स्टूडेंट्स हेल्थी स्पेशलिस्ट हेल्थ स्पेशलिस्ट कम्युनिटी लीडर हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे तो ए सी डी बिल्कुल ही नहीं चाहिए बिकॉज यहाँ पे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स है सोसाइटी क्या करेगा ठीक है यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर क्या करेंगे कम्युनिटी लीडर क्या करेंगे ये सब इंक्लूड करता है ये इम्पोर्टेंट है स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स पेरेंट्स स्टूडेंट्स हेल्थ स्पेशलिस्ट सब कुछ चाहिए ठीक है तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन next last question the primary responsibility of the primary school teacher primary school teacher is to communicate effectively so that dash to inform school uh, management difficulties and problems regarding management related issues to form uh, effective

आप शेयर uh, करें अपने दोस्तों को जो भी वो एस्टेटी दे रहे बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन so बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको so दे सकते हैं स्टेटस में डाल सकते हो शेयर करो जितना पॉसिबल हो सके बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इसको करके जाएंगे तो मैक्सिमम चार पाँच क्वेश्चन तो इस बार आएगा ही ठीक है सो so इसको प्रिपेयर कर लीजिए अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो एंड उसके बाद हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लाएंगे उसके साथ अगर पॉसिबल हुआ सिटिफिक के क्वेश्चन और आएंगे फिफ्टी एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा तो कुछ कुछ कमेंट कर दो सबको मुझे भी अच्छा लगेगा एंड थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग